हैशटैग निकाल देना। थैंक यू। चलो भाई आज मैं जा रहा हूँ कहीं के, थोड़ा अमाउंट वगैरह निकालना है एटीएम से और बैग खरीदना है मेरे लिए। वो वाला बैग थोड़ा छोटा हो जा रहा है ये स्पोर्ट्स का, तो चलते हैं फटाफट से कांकेर। और शिवम कंप्यूटर से भी जाना है, एक वीडियो रेंडर हो रहा है उसको अपलोड भी करना है। क्या है और की वीडियो भाई, वाईफाई से ही अपलोड हो सकते हैं, गाँव में उतना अच्छा से नेटवर्क नहीं रहता। चलते हैं फटाफट से और मैं जाऊँगा अपने बाइक से। एक बच्चे का फुटबॉल भी खरीदना है यार, मोटू भाई एक शॉप पे गया था, वो बच्चा हवा डलवाने के लिए फुटबॉल में मोटू भाई इतना हवा डाल दिया कि वहीं ब्लास्ट हो गया फुटबॉल, तो उस बच्चे के लिए खरीदना है। मोटू भाई बोल रहे थे ला देना भाई, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा अमाउंट वगैरह बोल रहे थे, तो वो वाला फुटबॉल खरीदना है बच्चे लोग का और बैग और छोटा मोटा काम है उसको निपटाते हैं, आ जाते हैं वापिस। तो निकलते हैं गाइस, आज को ब्लॉग इनसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सअप पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, एस के क्रिएटर, स्वागत है आज का नए ब्लॉग में। चलते हैं निकलते हैं यहाँ से और दिखा दूं मैं आपको, थोड़ा रेंडर हो रहा है एक वीडियो, आ जाएगा सेकंड पार्ट, मैं ना कल डालूंगा इस, मतलब ये तो इस वीडियो के डालने के बाद ये डलेगा। तो गाइस ये रेंडर हो रहा है 100% हो गया है, थोड़ा सा और प्रोसेस लेगा उसके बाद फिर हो जाएगा ये। तो गाइस निकलते हैं, वैसे मैं अपना माइक लोकेशन चेंज कर दूंगा हेलमेट में से, तो कैसा आ रहा है ऑडियो? ऑडियो तो उसमें एडिट हो जाता है मगर उतना खास हो नहीं पा रहा है, क्या है समझ नहीं आ रहा है मेरे को कि माइक चेंज करना पड़ेगा मेरे को, ये समझ नहीं आ रहा है। चलते हैं और देख रहे हो धूप तो सनसेट हो चुका है, धूप नहीं है अभी, फटाफट से वापस भी आना है, ठंड मत लगे बस। तो गाइस अब चलते हैं सीधा कांकेर जाऊंगा, बंटू भाई तो पहले से निकल चुके हैं, मैं बंटू भाई के साथ जाने वाला था कांकेर, तो पहुंच गए हैं कांकेर, वो तो अकेले ही ट्रैवल करना पड़ेगा पूरा। ओहो सनसेट हो रहा है अभी, सूरज कितना बड़ा दिख रहा है यार शाम को। तो भाई लेट तो हो ही चुका हूँ और आराम से ही जाऊँगा, देखता हूँ क्या बोलने से। फिर वो रेंडर का टाइम लिया, वीडियो रेंडर कर रहा था, वो दुधावा बांध का जो ब्लॉग है ना बहुत बड़ा बन गया था भाई, तो फिर उसको दो पार्टीशन कर दिया हूँ, पहला पार्टीशन अपलोड हो गया है और सेकेंड पार्ट जो है अभी अपलोड करूंगा। कंपनी में कई बार बोल चुका हूं मैं, जियो में बोला हूं, एयरटेल में बोला हूं, कभी लोग ध्यान नहीं देते अपने गांव में, नेटवर्क ही नहीं लगता है यार। बात हो चुका है तब भी कोई रिस्पांस नहीं है, नेटवर्क ही नहीं लगा रहे हैं अपने गांव में। सामने मेरे ख्याल शादी वगैरह चल रहा है, कल आया था यहीं रिसेप्शन, आज मेरे ख्याल से पार्टी चल रहा होगा, आज लास्ट है, कल था रिसेप्शन। धूप इधर चला गया यार इतना फास्ट, इस तरफ था अपना डायरेक्शन चेंज हुआ है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार। मेरे यूट्यूब पे कोई कमेंट भाई, थोड़ा कमेंट अमेंट करो कुछ, मतलब कुछ बातचीत होना चाहिए आप लोग के साथ, तभी तो यार मैं ही बात कर रहा हूँ, आपका रिस्पांस नहीं मिल रहा है मेरे को कमेंट बॉक्स में। वैसे 180 सब्सक्राइबर्स में कहाँ कमेंट आएगा यार, आना चाहिए वैसे 180 लोग हो यार कम से कम, इतना एक एक जन का कमेंट रिप्लाई दूंगा तो हालत ख़राब हो जाएगी मेरी, तो कर दिया करो कमेंट दबा के। ब्रेक के लिए बोला था मुनुविया को कॉल करूँगा एक आध घंटे में, बोले एक घंटे से ज़्यादा हो रहे हैं अभी तक तो कॉल नहीं आया है। कहाँ है हाँ कितना टाइम है, बैग वगैरह छोड़ेगा कुछ
बैग वगैरह छोड़ेगा। तो इस वीडियो को बाद में अपलोड करेंगे, पहले काम निपटा लेते हैं। नहीं निकालता हूँ यार कैश, उसके बाद फिर फुटबॉल को क्या लेके भटकूंगा, बैग रहेगा तब तो, मैं लाया नहीं हूँ, मिल जाएगा करके आज। कॉल नहीं लग रहा है यार इनके पास, बाद में आऊँगा, पहले घूम लिया जाए थोड़ा से और ढा लेता हूँ फुटबॉल को। फुटबॉल चाहिए भैया बच्चे लोग के लिए। कैसे हैं? कैसे हैं मुकेश? मैं पहचाना था जी। ठीक है मगर कैसे है टाइगर? प्राइज वाइज? अरे मोटू सादिक खान जावेद का लड़का हवा डलाल जा रही से, और हवा इतना डाल दी वहीं फट गए भाई फुटबॉल, फिर वो बच्चा रोते रोते घर जा रहा है, फिर सोचे चल खरीद लेते हैं निकटन करके। ठीक है बच्चे के साथ। तो प्राइस प्राइस देकर क्या पड़ेगा? 5 नंबर 50 कम हो जाएगा भैया 50 कम हो जाएगा वो तो पता है यार 50 एक्स्ट्रा बताते हैं, कम तो करवाएगा ही कस्टमर। चेक ठीक ठाक होना चाहिए, हवा हवा तो निकलती है ना। हाँ ठीक है कर दे, मगर धीरे से निकलते है, शोर सिस्टम तो नहीं है ना अंदर। मोटू सादिक खान भाई, खान पर 10 वाला दुकान वाला यार, बाइक मशीन वाले में डालेगा, बाइक बना धड़ाम से वहीं चल दे। सब बच्चा रोत रोत जा रहा है भाई घर। मैं काम करूंगा भेजने से पहले, आप चल दे फटाफट से शिवम कंप्यूटर्स, वहां से लेंगे बैग और वीडियो अपलोड करके जाएंगे घर। मोबाइल में पूरा डाटा कॉपी कर लिया हूँ, क्या है लैपटॉप उतना ना फिर पकड़ के आता है यहाँ, ऐसे लैपटॉप से स्पीड होता है थोड़ा अपलोडिंग, तो चल जाते हैं मोबाइल से काम अपना, मोबाइल में ही डाटा ट्रांसफ़र करके आया हूँ। गाना बजा रहे हैं यार अंदर, तो कॉपीराइट दिलवाएंगे। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं मोनू भी एक साथ, कहाँ जा रहे हैं भैया? वैरायटी बैग्स वहाँ से खरीदेंगे अपने लिए बैग, जाके देखते हैं गाइस और दिखाते हैं आप लोग को भी। पर पेड़ वेड़ लोग को कैसे उड़ा रहे हैं, चौड़ीकरण के लिए है ना, मगर काटते हैं, मगर मेरे को रोड वैसी के वैसी ही रहता है भैया। बड़ा होने का मिनट लगा होगा उसको। वैसे मैं बताऊं दुधा बांध गए थे हम लोग, इतना गंदगी फैला के रखे थे, नहीं वो अपने बोट वाले लोग उन्हीं का काउंटर पड़ा था वो पास, तो हम लोग समझ गए इन्हीं लोग पूरा गंदगी फैला के रखे करके, इतना प्लास्टिक फेंकाया था वो पास, कभी हद नहीं है। पहले सुंदर था पूरा बैंड बजा दिए,
हर एक ब्रांड के वहाँ कागज पॉलिसी ले लेते बियर बियर सब वैरायटी बैग्स बैग वैरायटी इसके थे थैंक यू चलो बाइक चाहिए चाबी आप रखे हो क्या जी तो गाइस बैग खरीद लिए हैं 1000 पड़े हैं अभी तो गाइस बैग खरीद लिया हूँ और बच्चे के लिए फुटबॉल भी और निकल रहा हूँ घर की तरफ और अभी टाइम हो रहा है काफ़ी रात लेट भी हो गया हूँ आराम से ही जाऊँगा भाई मैं राइडर वाइडर नहीं हूँ मैं सिर्फ ब्लॉगर हूँ मैं सिर्फ इज्जत से गाड़ी चलाता हूँ भाई खाली रोड देख के चलाना चलाता हूँ मगर अंधेरे में नहीं क्योंकि एक बार एक्सीडेंट हो चुका है मेरा गाय के साथ बहुत टाइम पहले एक बात है एक साल तो करीबन हो ही गए न्यू ईयर में हुआ था मेरे ख्याल से न्यू ईयर में नहीं हाँ 10 जनवरी को हुआ था न्यू ईयर के बाद पिछले साल अभी टाइम हो रहा है 7:58 पेट्रोल पंप फ्यूल डलवाएंगे उसके बाद फिर चलेंगे घर की तरफ हाँ भाई ये बैग खरीदे ला रहे हैं कैसे कर रहे भाई हाँ लैपटॉप ठीक है चलता हूँ फिर फ्यूल भी डल गया अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर 8 बज गए डांट मत पड़ जाएगा घर में नहीं पड़ेगा वैसे बता के आता मैं पूरा टाइम हो जाएगा करके तो भाई मिलता हूँ मैं सीधा आपको घर में क्या है यहाँ पर तो लाइटें वगैरह लगी है सिटी में तो फिर फुटेज आ रहा होगा थोड़ा बहुत तो ठीक ही ठाक आ रहा होगा वैसे नाइट में गोप्रो उतना अच्छा से वर्क नहीं करता परफॉर्मेंस ठीक नहीं है नाइट के लिए डे के लिए मस्त तो क्वालिटी आता है तो आगे से क्या है लाइट वगैरह भी नहीं मिलेगा गाँव के अंदर है मेरा मतलब गाँव के अंदर हाँ यहाँ से गाँव ही जाना है सिटी से बाहर गाँव में है मेरा घर तो फटाफट से मिलता हूँ मैं आपको सीधा घर में